विश्वास नहीं होता, एक स्त्री ने वध कर दिया धूम्रलोचन का। महाशक्तिशाली महायोद्धा धूम्रलोचन का वध एक स्त्री कैसे कर सकती है, कैसे कर सकती है, ये कैसे संभव है? जिस सत्य को आप नकार रहे थे वो आपने सुग्रीव के मुख से भी सुन लिया असुर महानायक। अब तो अपने हट को त्याग दीजिए, आप देवी कौशिकी से उलझने की भूल मत करिए। तो तुम ये कहना चाहते हो? भ्राता, अत्यंत शक्तिशाली महायोद्धा सेनापति धूम्रलोचन का वध एक तुच्छ अबला नारी के हाथों हुआ, और तुम मुझे ये समझाने का प्रयास कर रहे हो? तुम्हारी बुद्धि क्या भ्रष्ट हो गई है? और तुम ये समझ रहे हो कि मैं तुम्हारे मिथ्या कथन पर विश्वास करूंगा? तुम्हारे कपट वचनों से मैं भ्रमित हो जाऊंगा? तुमने ऐसी कल्पना भी कैसे की? हाँ, मैं सत्य कह रहा हूँ महाराज, वो नारी अवश्य है पर अबला नारी नहीं, प्रचंड शक्तिशाली है, स्वामिनी है वो। उसने आपके लिए भी एक संदेश भेजा है। संदेश? कैसा संदेश? प्रातःशुम इसे मुक्त कीजिए ताकि हमें ज्ञात हो सके कि क्या संदेश लेकर आया है। और जाकर अपने स्वामी को मेरा संदेश दो कि मैं विवाह उसी योद्धा से करूंगी जो मुझे युद्ध में पराजित करने में सक्षम होगा। यदि तुम्हारे स्वामी में इतना सामर्थ्य है तो यहाँ आकर मुझे पराजित करें और अपनी मुझसे विवाह करने की इच्छा को पूर्ण करें। युद्ध करेगी वो स्त्री प्रातः शुम से? ये संदेश भेजा है उसने? देवी शक्ति से युद्ध का परिणाम तो भयंकर ही होगा। प्रातः शुम, ये संदेश नहीं है, ये तो चुनौती है उसकी आपके लिए। प्रतीत होता है ये स्त्री चतुराई कर रही है। उसने ये प्रपंच इसलिए रचा ताकि वो स्वयं को आपसे ऊपर रख सके। जात है उसे, अत्यंत सौंदर्य संपन्न है वो, बस उसी का अहंकार दर्शा रही है। ये क्या कह रहे हैं सभी? क्या इन्हें अभी भी ये आभास नहीं हुआ कि असुर महानायक शुम का वहां जाना स्वयं अपने विनाश को आमंत्रित करने के समान है? मुंड से सर्वथा मैं सहमत हूं, वो तो आप पर अपना प्रभाव स्थापित करने की क्रीड़ा कर रही है मारा शुम। ये कोई क्रीड़ा नहीं है, मेरी दृष्टिता क्षमा करें, किंतु इस संपूर्ण घटनाक्रम में ऐसा क्या है जो अभी भी आपको स्पष्ट नहीं हुआ है असुर महानायक शुम? सत्य हमारे समक्ष है, धूम्रलोचन का अंत हो चुका है, देवी कौशिकी ने उसका वध किया है और अब वो आपको युद्ध के लिए ललकार रही है। और आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि वो कोई साधारण स्त्री नहीं है अपितु पराम्बा है। मैं तो आपको कब से यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि उनसे उलझना उचित नहीं है, क्योंकि जो दुर्दशा आज धूम्रलोचन की हुई है वो कल हम सबकी भी हो सकती है। और मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ रक्तबीज कि मैं असुर महानायक शुम्भ किसी स्त्री के समक्ष नहीं झुकूंगा, किसी अवला नारी का शरणागत कभी नहीं बनूंगा मैं, कभी नहीं, कदापि नहीं।
रक्तबीज तुम जैसे सहयोगी तो कदाचित शत्रु से भी अधिक घातक हैं, क्योंकि युद्ध के पूर्व ही तुम पराजय की घोषणा कर रहे हो। तुम्हें लज्जा नहीं आती इतने बड़े शक्तिशाली असुर होकर भी भीरुता का प्रदर्शन कर रहे हो तुम? उस देवी से तो तुम्हें युद्ध के लिए तत्पर होना चाहिए रक्तबीज। भागने या छुपने या समर्पण करने के लिए नहीं। यदि यह स्त्री क्रीड़ा की इच्छुक है तो मैं इसके साथ क्रीड़ा अवश्य करूंगा, परंतु ये क्रीड़ा उसके नहीं मेरे अनुसार होगी। अपने अपार सौंदर्य पर उसे बहुत गर्व है ना, उसी के बल पर मुझे अपने घुटनों पर झुकाना चाहती है ना, और चाहती है कि मैं स्वयं उसके पास जाऊं और उसे विवाह के लिए मनाऊं। मैं मिटा दूंगा उसका गर्व, उसे अपने आदेशों का पालन करना सिखाऊंगा। असुर महानायक शुंभ की पत्नी बनना है तो उसे मेरे शीश पर नहीं मेरे चरणों में वास करना होगा, और मैं उससे ये सब कुछ मनवा कर ही रहूंगा। उचित है भैया, सर्वथा उचित है, आपको यही करना चाहिए। चंड मंड जी असुर महानायक, आदेश दीजिए। बहुत हुआ प्रस्ताव भेजने का प्रपंच। जाओ जाओ और उस नारी को बंदी बना कर लाओ मेरे समक्ष यहाँ, और उसे स्वीकार हो या अस्वीकार, मैं उसे बलपूर्वक विवाह करके ही रहूंगा। उचित है, सर्वथा उचित है, ये चंड और मुंड की शक्ति के समक्ष कदापि नहीं टिक सकेगी वो। असुर महानायक शुंभ का ये आदेश बहुत अनिष्टकारी सिद्ध हो सकता है। असुर महानायक मात्र बंदी बना कर रहा है उसे, अथवा भ्राता चंड का अर्थ है कि अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो क्यों ना हम उससे धूम्रलोचन के वध का प्रतिशोध भी ले लें? उसकी उद्दंडता के द्वंद स्वरूप उसे थोड़ा प्रताड़ित भी क्यों ना कर लें? फिर तो वो आपकी आज्ञा अवश्य स्वीकार करेगी। चंड मंड उचित कहा तुम दोनों ने, दंड दो उसे अवश्य दो, प्रतिशोध भी लो उसे। विनाश की आहट जो सुनकर भी अनसुना कर दे, उससे बड़ा अभागा और कौन हो सकता है? और उससे भी बड़ा अभागा वो है जिसे भविष्य स्पष्ट दिखाई दे रहा है, किंतु वो चाहकर भी उसे परिवर्तित करने में असमर्थ है। अब क्या करूं मैं, कैसे रोकूं असुर महानायक शुंभ को? इस कार्य के लिए मैं तुम्हारे साथ रूरू और महेश पांड्रक को भेजता हूँ। क्या हुआ गणे, अब अपने अंतर्दृष्टि से क्या देखा तुम? भैया, अब शुंभ चंड और मुंड को माँ पर आक्रमण करने के लिए भेज रहा है। गणेश जी, ये तो बहुत ही उत्तम समाचार है। इसका तो एक ही परिणाम संभव है, माता कौशिकी के हाथों चंड मुंड का संहार। इंद्रदेव का कथन सर्वथा उचित है। किंतु तुम क्यों चिंतित प्रतीत हो रहे हो गणेश? चंड और मुंड की शक्तियों से तो हम भली भांति परिचित हैं भैया, किंतु शुंभ ने अन्य दो असुरों का भी आवाहन किया है, रूरू और महेश पांडरक। अब ये दोनों कौन है? ये तो मुझे भी ज्ञात नहीं है भैया, किंतु शीघ्र ही उन दोनों का भी पूर्ण परिचय ज्ञात कर लूंगा मैं। रूरू और महेश पांडरक और महेश पांडरक और महेश पांडरक और महेश पांडरक।
असुर महानायक शुंभ पुकार रहे हैं मुझे। आवाहन किया है मेरा, मैं अति शीघ्र आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। महेश पांड्रक, महेश पांड्रक, अभी आपकी सेवा में प्रस्तुत होऊंगा। महेश पांड्रक, तो ये है रूरू और असुर महानायक शुंभ। आपने अवश्य किसी विशेष प्रयोजन से हमें यहाँ बुलाया है, कहिए क्या आदेश है हमारे लिए? एक घमंडी नारी के मान को कुचलना है। मात्र एक नारी से युद्ध हेतु आपने हम दोनों का आवाहन किया। धूम्रलोचन जैसे शक्तिशाली असुर का वध करने वाली नारी असाधारण नहीं हो सकती, कदापि नहीं। क्या? ये क्या सुन रहा हूं मैं? उसने असुर सेनापति धूम्रलोचन का वध कर दिया? तब तो अवश्य वो कोई दैवी शक्ति है। हमें उससे युद्ध नहीं करना चाहिए। यही तो मैं भी। यहाँ कोई प्रयास हो रहा है क्या जो तुम हंसने लगे हो? नहीं असुर महानायक, किंतु मैंने तो आपसे पूर्व ही कहा था कि उस दुष्ट नारी को उचित पाठ सिखाने के लिए चंड और मुंड ही पर्याप्त हैं। ये असुर आपके सामने हमें सुझाव देने का ये दुस्साहस कर रहे हैं कि हमें उस नारी से युद्ध करने के विचार का परित्याग कर देना चाहिए। वो भला युद्ध भूमि में हमारा क्या साथ देंगे? कदाचित वहां पहुंचकर अस्त्र शस्त्र त्याग देंगे और वहीं उस देवी की आरती करने लगेंगे। तो कितना अपमान होगा हमारा। ओ, समझ गया। चंड और मुंड अपने शब्दों से इन दोनों को युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं। सेनापति चंड और मुंड, आपके कथन से तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे इस नारी को बंदी बनाने के लिए आपके पास कोई अति उत्तम रणनीति है। हमें भी तो सुनाइए, तनिक हम भी तो सुने। रणनीति? कैसी रणनीति? हम रणनीति बनाने में समय व्यर्थ नहीं करते। वो भी एक तुच्छ नारी के लिए? हाँ, यदि आप सुनना ही चाहते हैं तो सुनिए। हाँ।
जैसे ही हम उस स्त्री के निकट पहुंचेंगे, हम उसे एक अंतिम चेतावनी देंगे जो उसके लिए समर्पण कर हमारी बंदी बन हमारे साथ आने का अंतिम अवसर होगा। बस उसके लिए ये अंतिम अवसर होगा, उसके बाद हम नहीं हमारे बाण बात करेंगे, क्योंकि मुंड और मैं उस पर बाणों की ऐसी बौछार करेंगे कि वो उनसे आहत होकर लहूलुहान हो जाएगी। वो चीत्कार करेगी हमारे बाणों के बंधन से मुक्त होने के लिए समस्त प्रयास करेगी। अपने कोमल कोमल हाथों से अपने बाणों को हटाने का प्रयत्न करेगी। तब मैं और चंड उस पर अपने विद्युत पाश फेंक कर बंदी बना लेंगे। फिर हम अपने विद्युत पाश खींचेंगे, जिससे वो बाणों के मध्य से होते हुए ऊपर की ओर उठेगी, जिससे उसे अपार पीड़ा होगी। और वो चित्कार करेगी और उसकी चित्कार उन पर्वतों में गूंज उठेगी, और उसकी वो चीत्कार की गूंज हमें अत्यंत आनंद देगी। फिर उसे मैं पुनः पृथ्वी पर फेंकूंगा और मैं उसके केश थाम लूंगा। वो रुदन करेगी, सिसकियां भरेगी, और तब हम उसके भयभीत आतंकित आंखों में देखकर गर्जना करेंगे और उससे कहेंगे कि देखा देखा तुमने, हमारे असुर महानायक शुंभ के प्रस्ताव को अस्वीकार करने का परिणाम तब वो हमारे आगे हाथ जोड़कर असहाय अवस्था में आकर रुदन करेगी। फिर उसे भारी बेड़ियों में बांध देंगे हम, और वो हाथ जोड़े भारी बेड़ियों में बंधी अपने पैरों पर हमारे साथ चलकर यहां तक आएगी, और उसे इस प्रकार अपमानित करते हुए, उसके अहंकार को खंडित करते हुए हम उसे इस राज्यसभा में लेकर आएंगे और असुर महानायक शुंभ के चरणों के आगे डाल देंगे। वो फिर रुदन करते करते अपने दया की भिक्षा मांगेगी। अब महाराज असुर महानायक शुंभ के चरणों में गिर के बड़ा आनंद आएगा मुझे जब वो सुंदरी मेरे चरणों में गिरेगी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई असुर महानायक शुंभ, बहुत बड़ी भूल हो गई। ज्ञात नहीं मैंने इतने महावीर महाशक्तिशाली महायोद्धा का तिरस्कार क्या सोच कर किया। उचित है स्वामी, यह दंड मेरे लिए सर्वतः उचित है, मैं ऐसे ही दंड के योग्य हूँ। मैं अति प्रसन्न हुआ ये वर्णन सुनकर। अब शीघ्र ही इसे पूर्ण करो अपनी योजना से, उसी प्रकार उसे मेरे समक्ष आने पर विवश कर दो। जाओ। सुना तुम दोनों ने, सुना, मैं चंड मुंड की तरह सभी असुरों में एक आत्मविश्वास चाहता हूं। यदि तुम भीरु हो, अक्षम हो, तो स्वीकार करो कि तुम असुर महानायक के विश्वास के योग्य नहीं, अन्यथा मेरे आदेश का पालन करो। जाओ, उस नारी को बंदी बनाकर मेरे समक्ष यहाँ प्रस्तुत करो।
रक्ष संस्कृति से बंध है, हम असुर योद्धा है। असुर महानायक के आदेश का पालन कर उनके और असुरों के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह हमारा परम कर्तव्य है। असुर महानायक शम, आपकी सेवा ही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। यदि आप चाहते हैं कि मैं उस देवी के साथ युद्ध करूं, तो फिर उचित है, युद्ध होगा। रूरू ने असुर महानायक के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट कर दी। मैं ही पीछे रह गया। नहीं, मैं भी भीरु नहीं, यह भी प्रमाणित कर दूंगा। असुर महानायक, मुझे मेरा अधूरा कथन पूर्ण करने दीजिए। यदि उस नारी के पास दैवीय शक्तियां भी हैं, तो मैं क्रीड़ा कर उसे सताऊंगा और तब उसे मैं दंडित करूंगा। यदि आपकी अनुमति हो तो। अर्थात हमारे विचारों और उद्देश्य दोनों में समानता है। हाँ हाँ, तो फिर शुभ कार्य में विलंब क्यों? चलिए। यहां जो भी हो रहा है उचित नहीं है। इसका दुष्परिणाम निकट भविष्य में हम असुरों को अवश्य भुगतना होगा। कितना मूर्ख है ये शुम्भ। रक्त बीज रूरू महिष पौंड्रक ने उसे समझाने की कितनी चेष्टा की, किंतु उसे चेतावनी तक दी कि मां के विरुद्ध जाने का भयंकर परिणाम होगा, किंतु फिर भी उसने अपने असुरों को मां के साथ लड़ने भेज दिया। ये सब तो माँ की ही लीला है भैया। उन्होंने मुझे धूम्रलोचन को उनके निकट लाने का जो उत्तरदायित्व सौंपा था, वो मैंने पूर्ण किया। अब शेष इसी प्रकार से धूम्रलोचन के वध के पश्चात चंडमुंड का भी भयंकर परिणाम होने वाला है। ये कैसे दूध भेजे हैं शुम्भ ने? ऐसा अद्भुत सौंदर्य, ऐसी दिव्य अनुपम कांति जो पूर्व में हमने कभी नहीं देखा। क्या हुआ? ऐसे स्तब्ध रहकर मुझे टुकुर टुकुर देखने के लिए तो तुम्हारे स्वामी महानायक ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा होगा ना? तुम वास्तव में बहुत अहंकारी हो। तो हमने जो तुम्हारा आकलन किया था वो सर्वथा उचित है। तुम्हारे द्वारा मेरे आकलन अथवा किसी अन्य के व्यर्थ संवाद में मुझे कोई रुचि नहीं। मैंने तुम्हारे स्वामी के लिए एक संदेश भेजा, अवश्य उसी का उत्तर लेकर आए होगे तुम यहाँ। तुम्हें क्या वास्तविक में ऐसा लगा कि तुम्हारी इस तुच्छ सी चुनौती का उत्तर देंगे असुर महानायक? हाँ, सुनो, अब अपना ये स्वांग त्याग कर चलो हमारे साथ। क्योंकि तुम्हारी उद्दंडता को अनदेखा कर तुम्हें क्षमा कर हमारे स्वामी अभी भी तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हैं। तुम्हारे इस कथन में तो कुछ भी नवीन नहीं। ये तो उस असुर ने भी कहा था जो तुमसे पूर्व यहाँ आया था। उसका क्या परिणाम हुआ ये तो तुम्हें ज्ञात ही होगा। कदाचित इसीलिए इतनी विशाल सेना लेकर तुम इतनी सी बात कहने यहाँ आए। इस अभिमानी नारी को हमारी सेना के सामर्थ्य का आभास नहीं है। ये तो हमारी बातों को वायु में उड़ा रही है।
माता कौशिकी। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? महेश पौंड्र, ये से हाथ जोड़कर इस नारी के समक्ष क्यों बैठे हो? आपने हमें यह तो बताया ही नहीं कि जिनसे हम युद्ध करने यहां आए हैं वो और कोई नहीं, स्वयं जगत जननी माता कौशिकी है। नहीं बताया तो क्या हुआ? नाम में क्या रखा है? शत्रु का नाम तो कुछ भी हो सकता है। ऐसा मत कहिए, वो कुपित हो जाएंगी, क्योंकि उनके प्रति बहुत ही धीरजतापूर्ण है आपके ये वचन। ये क्या कह रहे हो तुम? हसुर महानायक के सामने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे तुम। कदाचित आपको ज्ञात नहीं, असुर सेनापति मुंड कितने असुरों का वध किया है माता ने। एक बार माता ने एक असुर को पछाड़ पछाड़ कर उसका वध किया और फिर उसके शव को एक फंदे से बांधकर ऐसा फेंका कि वो शव मेरे ऊपर आकर गिरा। एक बार तो माता ने सहस्त्र असुरों की विशाल सेना का अंत कर उसे मेरे ही दलदल में फेंक दिया था। आज भी उनके शव वहां से उभरते हैं जिससे चील काग अपना भोजन बनाते हैं। अरे इन्होंने नाम लिया नहीं और ये प्रस्तुत हो गए। ऐसी सुंदरी इतनी भयंकर कैसे हो सकती है? किंतु आकाश में इन गिद्धों और चीलों के अवतरित होने का और क्या अर्थ समझूं मैं? ये तो अत्यंत शक्तिशाली प्रतीत होती है, तभी तो रुरु और महेश पौंड्रक भयभीत दिखाई दे रहे हैं। कदाचित लौटना चाहिए हमें यहाँ से, तभी हम सुरक्षित रहेंगे। उस मूर्ख असुर ने हमें पूर्व में ही इस नारी के बारे में बता दिया होता तो हम और सटीक योजना बनाते। अब क्या करें, हम इस प्रकार यहाँ आकर युद्ध भूमि से लौट भी नहीं सकते। एक दो पाश तो हमें इस पर फेंकने ही होंगे। इसके महिमा मंडल से हम भयभीत नहीं होंगे। जो भी है, ये है तो एक नारी ही ना। और हम बलशाली असुर सेनापति चंड और मुंड, हाँ, इसीलिए निशंक होकर अपनी योजना को क्रियान्वित करेंगे। हम सबसे पहले अपने बाणों का वार करेंगे। हम देवी अवश्य तुम्हारे बाणों को नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। ये इतने विश्वास से कह रहा है तो क्या ये सत्य है? क्या ये वास्तव में हमारे बाणों को नष्ट कर देगी? हम दोनों तो माँ के विरुद्ध जाकर उनसे नहीं लड़ रहे, किंतु आप दोनों को योद्धाओं का धर्म निभाना ही चाहिए। जैसा आपने असुर महानायक के राजभवन में कहा था, वैसे ही अपना पाश फेंक कर इन्हें बंदी बनाने का प्रयत्न कीजिए। जिन्हें वो अवश्य चीर देंगे। ये किसे भेज दिया असुर महानायक ने हमारे साथ? हमारा साहस बढ़ाने आया है ये, अथवा उसे खंडित करने? नहीं, इन दोनों को अनसुना करना होगा हमें। मूर्ख असुरों, मुझसे युद्ध करने आए हो तो युद्ध करो, ऐसे भीरू बन के क्यों खड़े हो? आओ युद्ध करो मुझसे। शक्तिशाली हैं हम, वरदानी शक्तियां प्राप्त हैं हमें, और ये मात्र एक नारी, इसे तो हम अपने वश में कर सकते हैं। इसने उन असुरों को पराजित किया होगा जो बल में हमसे कम होंगे। हाँ, हम तो अति बलशाली
असुर चंड और मुंड है। असुर सैनिकों, यही है वो अहंकारी नारी जिसने हमारे असुर सेनापति धूम्रलोचन का वध किया था। यही है वो नारी जो बार बार हमारे असुर महानायक का अपमान करती है। जाओ सैनिकों, जाकर अपनी शक्ति का परिचय दो, उचित पाठ पढ़ाओ और खींच के लाओ इसे हमारे कदमों में। जाओ सैनिकों। अब चंड और मुंड ने अपनी समस्त सेनाओं को माँ पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया है। कितने भीरू हैं ये दोनों, माँ से स्वयं युद्ध करने के स्थान पर अपने सैनिकों को मृत्यु के मुख में प्रविष्ट कर दिया उन्होंने। मैं यहाँ खड़े रहकर ये सब होते हुए नहीं देख सकता। मैं अभी जाकर उस असुर सेना का विनाश कर दूंगा। समय रहते यदि कोई वास्तविकता को नहीं स्वीकारे तो उसकी पराजय निश्चित है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।